हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। बेल आइकन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ CISF ड्राइवर का, ठीक है ना। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी चाहिए, CISF फिजिकल का भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ, कैसे क्या क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ फिजिकल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि CISF फायरमैन का जो ये आपका एम्प्लॉयमेंट जो आया था प्रोस्पेक्टस, वो मैंने शो कर दिया है आपको स्क्रीन पर। आप लोग ध्यान से देख लें, एक बार पहले देख चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो मैंने फिर से शो कर दिया है, आप लोग देख लें। और सीट जो आपका शो किया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लें, जो भी सीट आपका दिया हुआ है, ऐसे तो पता ही है जो लोग भरे हैं। और देख सकते हैं आप, जनरल में 176 सीट है आपका, कॉन्स्टेबल ड्राइवर कंप्यूटर में 54 सीट है, ST SC OBC सबका अलग अलग सीट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लें, टोटल 447 पोस्ट पर भर्ती होने वाला है आपका। तो चलिए मैं बात करता हूँ आगे, मैं बताता हूँ फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, और फिजिकल कब स्टार्ट होने वाला है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल के बारे में। तो ये देखिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लें, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं फिजिकल जो कि जनरल SC एंड OBC कैंडिडेट के लिए आपका 167 सेंटीमीटर हाइट है। CISF ड्राइवर वालों के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट है, 167 सेंटीमीटर हाइट है, ध्यान से सुन लें सभी लोग, ठीक है ना। और मिनिमम जो कि चेस्ट जो आपका मांग है 80 सेंटीमीटर विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको फुला के 5 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। 80 से 85, चाहे वो 82 हो आपको 5 फुलाना है, 87 करना है, चाहे 85 हो तो 5 फुला के 90 कर देना है आपको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे दोस्तों, 167 सेंटीमीटर हाइट मांग गया है जनरल SC OBC के लिए, ठीक है ना। और इसमें मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से देख, और रिलैक्सन स्टैंडर्ड 160 सेंटीमीटर जो कि किनको दिया जाएगा वो भी ध्यान से आप लोग सुन लें, 160 सेंटीमीटर हाइट किनका है। देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है गोरखा, डोगरा, मराठा, ये सब दिया हुआ है, सिक्किम वालों के लिए खास करके रहता है ये, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए जो कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश असम डोमिसाइल सर्टिफिकेट वालों के लिए, और उनको चेस्ट में भी छूट दिया जाता है, 78 सेंटीमीटर चेस्ट है और फुला के 83 करना है उनको, 5 सेंटीमीटर वही रहता है, ठीक है। तो और इसमें मैं कह देना चाहता हूँ ST वालों के लिए कोई छूट नहीं है इसमें का कोई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं। नहीं दोस्तों एक मिनट, ST वालों के लिए छूट दिया गया है, देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर है, नीचे में था मैं देख नहीं पाया इसके लिए थोड़ा खेद कर, 76 सेंटीमीटर चाहिए ST वाले कैंडिडेट के लिए जो ST से बिलोंग करते हैं, उनका हाइट 160 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, और इसको आपको फुला के 5 सेंटीमीटर 81 कर देना है, ठीक है ना, एक्सपेंडेबल जिसको एक्सपेंसेस कह सकते हैं। और एक सर्विस मैन के लिए आप देख सकते हैं रिलैक्सन फिजिकल देर फिजिकल भी मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन डॉक्यूमेंट, एक सर्विस मैन वालों के लिए फिजिकल इसमें नहीं होगा, सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट जाकर वेरीफाई करवा के चलाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे और बताता हूँ आपको कि आपका कैसे क्या क्या होने वाला है, आपको टाइम क्या दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आ गए हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड से, क्या क्या आपको मांगे आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने मेरी बातों को, और ध्यान से आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। आज देखता हूँ कितना लाइक मिलता है, देखता हूँ आज 100 लाइक मिल पाता है कि नहीं, 12 घंटा के अंदर में 100 लाइक चाहिए, देखता हूँ मिल पाता है कि नहीं, शायद वीडियो अच्छा बना पाता हूँ कि नहीं। मैं 800 मीटर आपको रनिंग करनी है, ठीक है ना, देखिए 800 मीटर रनिंग करनी है, 2 राउंड आपको मारना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे वो रोड पर हो चाहे किसी पर भी हो, अगर फील्ड में होगा तो 2 राउंड मारना पड़ेगा, चाहे आपको बोकारो दे, धनबाद, रांची, बरौनी, कहीं भी दे, ठीक है ना, यही जगह सेंटर ज़्यादा पड़ रहा है, चाहे वो कटक में दें, और भी बहुत जगह अमृतसर में भी है, बहुत जगह हो रहा है, ठीक है ना। झारखंड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, झारखंड बिहार वालों के लिए खास करके, कि आपका धनबाद में दिया जाएगा, नहीं तो बोकारो में, रांची में, तो यही सब जगह बरौनी में हो सकता है आपका, तो और दुर्गापुर में भी आपका हो सकता है, तो कोलकाता में भी। तो 800 मीटर आपका रन है जो कि 3 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरा करना है, ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुन लें, 800 मीटर रन 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है, और लॉन्ग जंप आपका 11 फीट आपको फाड़ना है, 11 फीट लॉन्ग जंप है, जो कि आपको 3 चांस दिया जाएगा, 3 बार दिया जाएगा, ठीक है ना, एक बार फेल करते हैं दोबारा फेल करते हैं, 3 चांस दिया जाएगा आपको,
लॉन्ग जंप के लिए, और रन के लिए एक भी चांस नहीं दिया जाएगा, आपको पूरा करना है। और हाई जंप जो कि 3 फीट 6 इंच है, 3 चांस दिया जाएगा, आप लोग ध्यान से सुन लें। हाई जंप 3 फीट 6 इंच आपको फाड़ना है, 3 चांस आपको दिया जाएगा, ध्यान से सुन लें दोस्तों आपको, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को, आप लोग जो भी आपने फॉर्म में हायर क्वालिफिकेशन भरा होगा, ठीक है ना, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी आपने भरा है, आप लोग ओरिजिनल सब लेके जाइएगा, दो दो कॉपी जेरोक्स लेके जाइएगा आप लोग सभी का, फोटो कॉपी जिसको कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी, क्योंकि वहाँ पर मांग दिया जाता है और आप लोग के पास नहीं रहता तो आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। और आधार कार्ड आप लोग लेके जाइएगा, चाहे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी है आपके पास, आप लोग लेके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे मैट्रिक का मांगा जाता है, कहीं कहीं पर कुछ और मांगा जाता है, तो आप लोग लेके जाइएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। और इसका जो आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जुलाई में स्टार्ट होने वाला है फिजिकल, आप लोग तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना। जुलाई में दोस्तों, 1 मिनट, सॉरी, जुलाई में, जून में आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा गलती मैं बोल दिया, आपका फिजिकल जून में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपका मई में आ जाएगा, तो मैं इसीलिए खास करके ये वीडियो बनाया हूँ ताकि फिजिकल जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तैयारी करने में लग जाएँ, CISF ड्राइवर वाले, क्योंकि तो ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, हो सकता है मई लास्ट तक भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, फिजिकल भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि आपका CISF फायरमैन का आपका दौड़ खत्म हो चुका है, 10 तारीख को CISF फायरमैन का दौड़ खत्म हो चुका है, आप CISF ट्रेड मैन का आपका रिटेन चलेगा, फिर उसके बाद CISF फायरमैन का आपका रिटेन चलेगा जून में, जून या जुलाई में आपका हो सकता है, ठीक है ना। और जून में होगा आपका CISF फायरमैन का एग्ज़ाम, और तो CISF ड्राइवर के लिए आपका एग्ज़ाम जो कि जून में ही होने वाला है, ठीक है ना। फिजिकल आपका जून में होगा, ज़्यादा दिन फिजिकल चलेगा नहीं इसका, कोई ज़्यादा ऐसा फॉर्म भराया नहीं है, तो आप लोग अच्छे से रनिंग की तैयारी करें, और मैं रिटेन के सब बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा CISF से रिलेटेड, तो आप लोग उसको करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो